मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। जिस समय अरब अपराजय थे, स्पेन तक का क्षेत्र उन्होंने जीत लिया था, लेकिन भारत में अरबों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत में एक महाप्रतापी शासक शासन कर रहा था, जिसका नाम था सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार। सम्राट मिहिरभोज आदि वराह के परम भक्त थे। उन्होंने अरबों को ऐसे मथ डाला जैसे नारायण ने समुद्र को मथ दिया था। लेकिन कहते हैं सम्राट मिहिरभोज के मन में एक समय सन्यासी बनने की इच्छा बलवती हुई, परंतु उनकी धर्मपरायण माता ने उन्हें फटकारते हुए उन्हें धर्म की रक्षा करना हेतु प्रोत्साहित करते हुए समझाया कि समय काल को देखो और स्वधर्म का पालन करो, इस समय संन्यास लोगे तो कायर कहलाओगे। इसी कारण मिहिरभोज राजगद्दी पर विराजमान हुए और प्रतिहार वंश एवं भारत दोनों की कीर्ति को विश्व भर में फैलाया। प्रतिहार वंश भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंश है। लक्ष्मण जी को भी योगेश्वर कहा जाता है। पूर्ण योगी या योगेश्वर की उपाधि बहुत कम लोगों को मिलती है। राम जी, कृष्ण जी, लक्ष्मण जी, राजा जनक आदि कुछ ही पूर्ण योगी आज तक संसार में हुए हैं। अब बात करते हैं वर्तमान के उस धर्म भीरु योद्धा की जिसके नाम से अपराधी कांपते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से आते हैं, इस संप्रदाय के विचार जाति प्रथा को नहीं मानते। ये पंथ स्वतंत्र जीवन की बात करता है जिसमें परमात्मा का अंकुश भी है। यह संप्रदाय किसी जड़ता को पकड़े हुए नहीं है। नाथ संप्रदाय की पकड़ आदिवासी समुदाय में भी बहुत अधिक है। तो लगता है वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के पूरा होने का समय अब आने वाला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पूरे देश के हिंदुओं को एक साथ बांधने का काम करने का मादा सिर्फ एक ही नेता में है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी भी यही कहती है कि भगवा पहना हुआ एक युवा पूरे संसार का उद्धार करेगा। तो तैयार रहिए उस समय के लिए जब भारत ही नहीं विश्व भर में सनातन की जय जयकार होगी। योगी आदित्यनाथ एक दिन भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और यही भारत के हित में भी है।